सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज का ये ब्लॉग होगा, हम लोग ऑलरेडी अभी घर से निकल चुका है बाइक वाइक लेके। सो अभी हम लोग जाएंगे राइनो इको रिजॉर्ट पर, जो हम लोग का असम में जो उदलगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर पड़ती है। ये दिमागुशी बोल के एक प्लेस पर है। अगर आप लोग असम के बाहर से देख रही हो तो आप लोग को मैप की जरूरत पड़ेगा। सो फॉर दैट आप लोग, मैं मैप भी पिंक कर दूंगा उस पर, और प्लस आप लोग चेक कर लेना। देन जो लोग अभी असम से वो लोग तो ऑब्वियसली पता होगा उन लोगों को गाइस। सो बाकी मैं दिखाते जाऊँगा, आप लोग भी मेरे साथ देखते जाओ गाइस। हाँ बेटे, अपना एक दोस्त जो अपने साथ जाएगा, लड़ाई कर दो। चलो आप हाथ जो आप हम लोग जाएंगे दिमागुशी को राइनो इको रिजॉर्ट पर, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ये बोला अच्छा लग रहा है, इसको इतना अच्छे से हिंदी नहीं आती है। सो बेसिकली आप लोग समझ ही गया होगा। सो चलो गाइस मिलते हैं। ये बहुत टाइप टी गार्डन है, चाय का बगीचा है यहाँ पे, बहुत टाइप पर बहुत ब्यूटीफुल नेचुरल व्यू है यहाँ पे, अच्छा लगेगा आप लोगों को। बहुत सारा भीड़ है यार रास्ते पर, बहुत शॉपिंग है। जाएंगे हम लोग, अभी वो है कि नहीं है फिलहाल। गाइस सो गाइस मिल चुके हैं अभी अपना दीदी को। तो हम लोग मार्केट में थोड़ा घुसेंगे, थोड़ा काम है हम लोग। भाई साहब हम लोग अभी मतलब दिमागुशी मार्केट में घुसा था, इतना गर्मी है और इतना ज़्यादा भीड़ है ना, क्या बोलूँ मतलब ना। उधर से अभी हम लोग निकल के आ चुके हैं, सो अभी निकलते हैं हम लोग राइनो की ओर। सो देखते जाओ गाइस। सो गाइस अभी हम लोग जाएंगे ये दिमागुशी स्ट्रेट आके, आप लोगों को यहाँ से राइट लेना है, राइट टर्न। यहाँ पे आप लोग को एक साइन बोर्ड मिल जाएगा राइनो इको रिजॉर्ट बोल के, हम लोग को यहाँ से 15 किलोमीटर बोल रही है, लेकिन लगता है मुझे यहाँ से कुछ ज़्यादा ही दूर होगा। मुझे नहीं लगता 15 किलोमीटर होगा क्योंकि लोगों ने GPS देख के लगाया होगा, लेकिन मैंने जो सुना है यहाँ से मतलब एक घंटा जैसा लगता है बोलते हैं। फिर भी हम लोग भी देखते हैं, आगे चलते हैं, रास्ता साफ है, अच्छी है रास्ता, यहाँ का जो सड़क है वो अच्छा ही है। सो मैं देखते जाऊँ कैसा होता है। गाइस ये जो सड़क है ये चाय के बगीचे के बीचों बीच होके निकलती है, टी गार्डन के बीचों बीच, लेफ्ट राइट दोनों तरफ जी टी गार्डन है, और बीच में एक उसी ब्लॉक रोड है। तो ये रोड होते हुए आना है आप लोगों को, आप लोगों को साइड को मिलता रहेगा, तो वही साइड को देखते हुए आना है। सो ध्यान रहे रास्ते में, हर एक कॉर्नर पर आप लोग एक साइड को दिखेगा, मतलब बहुत टर्न है यहाँ पे रास्तों का, तो आप लोग भी मतलब थोड़ा ध्यान रख के आगे रहना भाई। आगे का सड़क देखते तो आप लोग सब आप लोगों को अच्छा लगता है, देखो वो क्या भी लोगों को क्या आ रही है। बहुत सुंदर है गाइस, बस यहाँ पे बीच लगा, इसमें आपको नीचे होके आना पड़ा,
एक नदी है बड़ा सा सो वही मतलब समर के टाइम पर तो बारिश का टाइम होता है उस टाइम पर यह पानी बहुत बड़ा होता है। फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई ब्रिज नहीं है सो बोलकर अगर ज़्यादा बारिश होता है तो अगर आप लोग बारिश के टाइम पर स्नान करते हो तो ज़्यादा बारिश के टाइम पर मत आना क्योंकि हम लोग देख सकते हो कितना बड़ा नदी है ये और यहाँ का जो पानी होता है वो भी बहुत काला होता है बहुत सुना है क्योंकि अगर धूल जो दिख रहा हूँ मुझे जो धूल दिख रही है अभी ये बहुत काला करके है तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखते हुए आना। तो गाइस कच्चा रास्ता होते हुए नदी पार करके 2 किलोमीटर कच्चा रास्ता आना है फिर से आप लोग को राइनो के सामने ही है ये एक नदी है फिर से बड़ा सा सो फोटे मैंने पहले भी कहा था समर के टाइम पर अगर बारिश ज़्यादा होती है तब उस टाइम बाद आना क्योंकि बारिश की वजह से आप लोग ये सब सड़कें मतलब क्रॉस नहीं कर पाओगे। सो फोटे मतलब मैं यही कहना चाहूँगा जब भी आप लोग मतलब घूमने के लिए प्लान करो तो जब बारिश नहीं होगा उस टाइम पर मतलब प्लान करना क्योंकि ज़्यादा बारिश पर आप लोग घूम नहीं पाओगे आते आते मतलब इतना दूर आकर आप लोगों को मतलब अगर रिटर्न होना पड़ा तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा और हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। सो बेसिकली गाइस अभी हम लोग पहुँचने वाली है तो हम लोग वहाँ पर पहुँच के इंजॉय करेंगे और दिखाते आगे चल के कैसा है अंदर में। सो फिलहाल तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच ही चुकी है तो राइट नो है वहाँ पर तो आप लोग आगे गेट देख रही होगा बेसिकली आगे एक गेट है यहाँ पर इंटर करेंगे हम लोग ये देख सकते हैं आप लोग गेट इंटर कर चुके हैं अभी राइनो इको रेजॉर्ट पर यहाँ का गार्डनिंग स्टाइल बहुत अच्छा है सो हम लोग जा रही है आगे हम लोग भी देखते जाओ गाइस कैसा होता है ये देखो कितना अच्छा व्यू है परफेक्ट लोकेशन है आप लोग अपने दोस्तों के साथ घूमने आ सकती हो मस्त लोकेशन अगर आप लोग आते तो शायद आप लोग को अच्छा लगेगा ये प्लेस। आ जाओ मेरे पास दुकान दुकान पर लेने गाइस पहुंच चुकी है राइनो इको रिसॉर्ट ब्रो कैसा है ये अपना एक दोस्त है हाय ये एक ब्लॉगर है नया नया जर्नी शुरू किया इसने भी सो गाइस इसको भी सपोर्ट करो आपका नाम चैनल का नाम क्या था उनोब डेका ब्लॉग्स करके ये यहाँ का मतलब एडवेंचर चलाता है यहाँ का जो मतलब क्या क्या होता है यहाँ पे एडवेंचर पर सो वो सब ये लोग देखते हैं मेंटेन करते हैं सो बेसिकली यही अभी बाद में दिखाता हूँ गाइस बाकी अपना ये जो दोस्त है क्या क्या दिखाता है हम लोग को वो भी दिखाते जाएंगे आप लोग
भाई साहब मेरे पीछे एक घोड़ा, अगर आप लोग मतलब घोड़ा का शौक रखते हो तो आके मतलब थोड़ा फन कर सकते हो, थोड़ा राइड लीजिए, घोड़े का मजा लीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए। और जिप लाइनिंग भी है यहाँ पे, गाइस यहाँ पे एक स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल मतलब ऐसा नहीं कि नहाने के लिए, यहाँ से मतलब जितना भी गार्डन है सो यहाँ से पानी सप्लाई किया जाता है। राइनो इको रिजॉर्ट का गार्डन ना ब्रो, इको रिजॉर्ट का गार्डन है ना ये देखो मुंह धोरे, अच्छा पानी है, साफ पानी है। भाई साहब राइनो इको रिजॉर्ट आज घूमने आया था तो थोड़ा घूम लिया। सो अच्छा है प्लेस, अगर आप लोग भी घूमना चाहे तो आ सकते हो। सो आके आप लोग भी विजिट कीजिए, मेरे पीछे की तरफ आप लोग देख रहा होगा कैसा गार्डन है, मतलब अच्छा से बना है। सो मतलब अगर आप लोग भी घूमना चाहो कपल या दोस्तों के साथ तो आ सकते हो गाइस, आके आप थोड़ा फन कीजिए, अच्छा है प्लेस, बुरा नहीं कहूँगा क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा इंजॉय किया यहाँ पर। तो ये मेरे पीछे देखो कितना सुंदर सुंदर मतलब फ्लावर्स फूल लगा हुआ है। तो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही था, बाकी हम लोग अभी निकलेंगे घर के लिए, तो बहुत गर्मी भी है इधर इसलिए निकल जाएंगे हम लोग भी। सो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए एंड थैंक यू, टाटा बाय बाय।